सर वो सब क्या था सर? चाय पिएगा? क्या लगता है तुझे, सर जी राव गौरी में फर्क? सर उन दोनों को कंपेयर कैसे? तुम सही कह रहे हो, सर जी राव गौरी से 100 गुना दोगला है। तुम्हें ने कहा था ना कि सही गलत का सिक्का उछालते उछालते तुम थक गए, तो फिर आज क्यों सही गलत पर माथापोड़ी कर रहे हो? हाँ सर जी राव ने तुमको फ्लैट दिया तो वो अच्छा है, उसने बोला बजाज अच्छा है तो वो भी अच्छा है। मैं उन दोनों को अच्छी तरह जानता हूँ, तुमसे भी ज्यादा। शिव, दुनिया में लोग अच्छे या बुरे नहीं होते, कोई सही गलत नहीं होता, सही गलत को हम चुनते हैं। तुमने सरजीराव को चुना और मैंने गौरी को, और हम में से कौन सही है और कौन गलत है ये तो वक्त ही बताएगा। दुनिया में सबको कोई ना कोई पोजीशन मिलती है। सरजीराव को मिनिस्टर का पोजीशन मिला, बजाज को बिल्डर का, गौरी को डॉन का, और हमें पुलिस ऑफिसर का। हम सबको अपनी अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करके कुछ बनना चाहिए। ये बात समझेगा तो तेरी गोद भरेगी, कितनी भरेगी ये तू कभी सोच भी नहीं सकता। मेरे एक बहुत ही करीबी के बारे में मुझे आज कुछ मालूम पड़ा। कौन है? जिसकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ, और आज पता चला कि वो नहीं है जो मैं समझता था। तो फिर तुम ऐसे आदमी की इज्जत कैसे कर सकते हो? भारती, हर आदमी में सही गलत होता है, और गलत के लिए सही को नजरअंदाज करना भी तो गलत है। अचानक क्या हुआ? मैं कौन सा बड़ा सही हूँ जो दूसरों की गलतियां गिनूं? मैं एक ऐसे डिपार्टमेंट के लिए काम करता हूं जो गैर कानूनी है, जिसके लिए मैंने बहुत लोगों को मारा। मेरी अपनी सोच समझ से वो सही हो सकता है, लेकिन दूसरों की नजर से क्या पता। तुम किस बात को किस बात से जोड़ रहे हो शिव? सही और गलत में उतना ही फर्क होता है जितना एक जिंदा और मुर्दा इंसान में। सही गलत की समझ ही इंसान को इंसान बनाती है। बात समझ की नहीं, गलत फहमियों की है। जो भी हो शिव, मेरी मानो तो इस मामले में तुम पहले माधव भैया से बात करो। मुझे पूरा यकीन है कि उनसे बेहतर तुम्हें और कोई नहीं समझा सकता। ठीक कहा तुमने सर, मैं आज जो भी हूँ आपकी वजह से हूँ। मेरा घर, मेरी पोजीशन, मेरा नाम, सब कुछ मुझे आप ही की वजह से मिला है। आपने जो भी कहा वो बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ आपके रास्ते पर नहीं चल सकता, और मैं आपके रास्ते में भी नहीं आऊंगा। तुम्हें लगता है कि मैं सही हूं और मेरा रास्ता गलत है? नहीं सर, जब तक मेरे रास्ते पर चलोगे नहीं तुम्हें कैसे पता चलेगा कि वो सही है या गलत। शिव, पहले अपने आप से पूछो कि तुम किसके लिए काम करते हो, समाज या सिस्टम के लिए? उन दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हें क्या लगता है कि अंडरवर्ल्ड को खत्म करने के बाद उसकी जगह लेने वाला अंडरवर्ल्ड में कोई नया नहीं आएगा? उसकी कोई गारंटी नहीं है शिव, ये कभी ना रुकने वाला चक्र है। दुनिया में कभी भी कुछ भी खत्म नहीं होता। सर जैसे मैंने कहा आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, पर ये मुझसे नहीं होगा। मैं सिर्फ इस मामले में आपके साथ नहीं और आपके खिलाफ भी नहीं। शिव, हम एक गाड़ी के दो पहिए, अगर साथ में चलेंगे तो एक्सीडेंट नहीं होगा। नहीं सर, नहीं होगा, और वो इसलिए कि आपके लिए मुझ में जो इज्जत है वो मेरी अपनी सोच से भी बड़ी है। ठीक है शिव, जिस अपने पद से तू ये कह रहा है मुझे भी लगता है कि हमारे बीच कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। साला काम सिखाए, खिलाए पिलाए, और आज हमसे हिस्सा मांग रहा है। बोल रहा है गैंग में सबसे इम्पोर्टेंट आदमी है, उसके बिना काम नहीं। बोला साला मरवाएगी। कहीं आप ये तो नहीं कह रहे कि डीके और नसीर को उड़ा दे? ना, अब पॉपुलर है डीके, खुद से मारेंगे तो साला बवाल हो सकता है, लेकिन अगर महादेव को टिक दिए
तुकाए दो आंसू हम भी बहा सकते हैं। करेक्ट है ना? क्या दिमाग है आपका भाई? यहां तक पहुंचे कैसे? टिप मिली। चलो, कभी नहीं सोचा था कि इतना आसानी से मरेंगा मैं। नहीं, ये कोई गैंगस्टर नहीं है, इसको मैं जबरदस्ती गैंग में लेके आया है। इसने कभी कोई गोची नहीं किया है। आप मांगता है तो मेरे को ठोक डालो, पर इसको छोड़ दो, ये कोई गैंगस्टर नहीं है। ए, झूठ क्यों बोलता है रे? मरना है तो साथ में मरेंगे। चुप, औरत है तू। साहब औरत पे हाथ नहीं उठाएगा। एकदम चुप, मैं बात कर रहा है लाना। तेरे को अभी दुनिया में बहुत कुछ करने का है। अरे समझता क्यों नहीं, तू ही नहीं रहेगा तो मैं क्या करूंगी? तुम अपनी लव स्टोरी बंद करो और मेरी स्टोरी सुनो। मुझे तुम लोगों के साथ एक नया गैंग शुरू करना है जो सवता के खिलाफ काम करेगा। और वैसे भी तुम दोनों की टिप मुझे सवतिया ने दी थी। अब ये पुरानी स्टोरी बंद करो और नई स्टोरी के बारे में सोचो। लेकिन ये नए गैंग का चक्कर क्या है? और ये सब में आपका क्या फायदा है? ये चक्कर के बारे में सोचकर अपना भीजा गरम मत कर। तू अपनी फायदे की सोच। लेकिन हम ही क्यों? क्योंकि तुम लोगों के पास मेरे से बेटर ऑप्शन नहीं है और मेरे पास तुम लोगों से बेटर ऑप्शन नहीं। गौरी भाई, डीके गैंग बनाने के दो फायदे हैं। पहला, छोटे छोटे कामों में आपका ब्रांड खराब नहीं होगा। और दूसरा, सौतिया पे दोनों तरफ से प्रेशर पड़ेगा। कौन है? गौरी भाई। हेलो। हाँ गौरी भाई, हाँ ठीक हूँ, आप कैसे हो? हाँ हाँ, रिंकू भी ठीक है। हाँ बिल्कुल, अभी देती हूँ। गौरी भाई, अपना काम खत्म होते ही हम डीके को मार देंगे, ठीक है? कितने मतलबी हो तुम सत्या। ये दुनिया मतलबी है। इससे पहले कि सामने वाले का मतलब पूरा हो जाए, हमें अपना मतलब पूरा करना चाहिए। बेबी बोल। जैसा महादेव साहब ने बोला, मुंबई में राज करने के लिए हमें अपने गैंग का ब्रांड बनाना चाहिए, और ब्रांड बनाने के लिए एक बड़ी सी पिक्चर निकाली है। किसका पिक्चर? कोई भी पिक्चर बिना फाइनेंसर के नहीं बनती। सावतिया का मेन फाइनेंसर है पटेल भाई, क्यों ना हम उसी की पिक्चर निकालते हैं? गौरी के साथ भोसले का कनेक्शन हम कभी नियंत्रित नहीं कर सकते। बिना सबूत इतने बड़े नामचीन अफसर पे हाथ डालना डिपार्टमेंट और खासतौर से गवर्नमेंट की इज्जत के लिए ठीक नहीं होगा। मुझे होम मिनिस्टर बनाने के लिए परमेश्वर ने सबसे बड़ा नीच और पापी डीके को चुना, इसलिए उसके कर्म का फल देना मेरा निजी कर्तव्य बन गया। तुम डीके को मेरी तरफ से यमलोक का एक लाइफ लॉन्ग हॉलिडे पैकेज देना।